For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. So, hello ma'am, first of all, welcome to Movies Adda. कितना ज़्यादा पसंद है आपको trailer? Trailer बहुत ज़्यादा अच्छा था. Like एक unique topic है जो India के youth तक जाना चाहिए. और ऐसे topic बहुत कम देखने मिलते हैं, जैसे कि उनका पहला जो पहली movie थी Raid. तो वो भी बहुत अच्छी थी एंड होप सो ये भी सक्सेसफुल हो जाए. ट्रेलर इज़ वेरी नाइस, ट्रेलर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगर आप देखेंगे ट्रेलर तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार वी शुड नो अबाउट दिस स्टोरी, वी शुड नो अबाउट अनसंग हीरोज. अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, बाकी अभी देख सकते हैं, मतलब फिल्म आने पे ही पता चलेगा, क्लियर होगा. मुझे जैसे लाइक अभी मैंने कहा था एक और इंटरव्यू में, द ट्रेलर इज ओके, आई फेल्ट लाइक इट कुड हैव बीन बेटर, नथिंग माइंड ब्लोइंग. या इट्स अ गुड ट्रेलर बट नथिंग माइंड ब्लोइंग. सो ओनली आफ्टर द मूवी कम्स आउट एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ लाइक राजकुमार गुप्ता मूवीज यूजली यू नो आफ्टर द रिलीज वर्ड ऑफ माउथ के वैसे स्प्रेड होता है और उनका जो भी अगर अच्छा होगा मूवी तो पीपल गो एंड वॉच. सो आई विल वेट फॉर द मूवी टू कम आउट. ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बोला जा रहा है रियल है. सो लेट्स सी. ओके, अगर मैं अर्जुन कपूर की बात करूँ तो कितने कन्विंसिंग लग रहे हैं? अर्जुन कपूर मतलब उनको एक हीरो टाइप ऐसा कुछ इमेज दिया नहीं गया है, लाइक बहुत ही नॉर्मल इंसान का दिया गया है. और उन्होंने जो पोर्ट्रे किया है कि वो जिसकी खोज कर रहे हैं तो बहुत कन्विंसिंग है. और अर्जुन कपूर इस रोल के लिए फिट हो सकते हैं, मतलब या देखिए फिल्म हिट हो पाएगी. सर ये कह सकता हूँ कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आदमी एक बार ज़रूर देखना चाहेगा ये. और अगर ये वाकई जैसे हम जानते हैं राजकुमार गुप्ता की जो फिल्में रही हैं, भले रेड हो, आमिर हो, नोवन के जैसी का, बहुत इंटरेस्टिंग रही है. तो हो सकता है कि आप यू कांट एक्सपेक्ट कि हाँ भाई बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी है, वो यू कांट एक्सपेक्ट दैट रियलिटी. लेकिन अगर ये अच्छी है फिल्म तो ये अच्छी खासी चलेगी बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट थिंग. आज वीकेंड बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, ओपनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर पसंद नहीं आई पब्लिक को तो वो वैसे ही गिर जाती है. कैरेक्टर है उनका अच्छा दिख रहा है और एक चैलेंज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अंदर, जो कैरेक्टर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है. तो वो देखना पड़ेगा कि फिल्म देखने की बात ही पता चलेगा कि ऑब्वियसली, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोला जा रहा है इट्स अबाउट अ रियल स्टोरी, एक इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट को पकड़ा गया है विदाउट कोई बुलेट के, तो ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे मूवी देखनी है. अर्जुन कपूर की फिल्म्स अच्छी जाती है लेकिन ये उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग रोल होगा, तो आई होप सो कि वो इस मूवी के थ्रू निखर कर आए. इट्स नॉट अबाउट वो फ्लॉप रही हैं, वो नहीं चली हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एक्टर्स लाइफ, वो ठीक है. बट द थिंग इज कि अगर एक एक्टर ने चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है, दैट्स द आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट फॉर दैट मैटर. मतलब वो एक बात जो अप्रिशिएट करनी चाहिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने टॉपिक चूज किया इज अ वेरी गुड टॉपिक एंड जो डायरेक्टर है राजकुमार गुप्ता, मे बी he can show Arjun Kapoor like never before. Yeah, definitely. It has to be good for him because he is not having a good run at the box office. If he has to stay, honestly, I'm just saying, if he has to stay in the industry for a longer period of time, you know, this film has to be good for him. जी, जैसे राजकुमार गुप्ता को मैं जानती हूँ, वो ऐसे एक्टर्स लेते हैं जिन जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और उनको यू नो सीरियस फिल्म्स में एक्टिंग के एक्सपीरियंस हो, तो वही मुझे थोड़ा शौक हुआ कि उन्होंने अर्जुन कपूर को क्यों लिया. लेकिन ट्रेलर में तो उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेट्स सी मूवी में कैसी एक्टिंग करते, हो सकता है ये मूवी उनके लिए अच्छी हो, लकी हो. थ्री एंड हाफ, थ्री फोर स्टार्स. मैं 3.5 स्टार दूंगा.